दोस्तों, अंटार्कटिका में बर्फ की विशाल चादरों के बीच एक पिरामिड जैसा पहाड़ खोजा गया है। यह कंटिनेंट मुख्य रूप से बर्फ से ढका हुआ है और काफी हद तक रहने योग्य नहीं है। ऐसे रिमोट लोकेशन पर पिरामिड के आकार के स्ट्रक्चर की खोज से कई लोग एक्साइटमेंट है। इन स्ट्रक्चर के निर्माण में एलियंस या एशियन सिविलाइजेशन के शामिल होने का सुझाव देने वाली स्पेकुलेशन सामने आई है। हालांकि वे एजम्पशन गलत है, क्योंकि बर्फ के पिरामिड पूरी तरह से प्रकृति संरचनाएं हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका की एल्सवर्थ माउंटेन रेंज के साउदर्न पार्ट में सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से इन चोटियों की खोज का पता चला। दिलचस्प बात यह है कि पिरामिड के शेप का मास अपनी बेस पर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी तुलना इजिप्ट में गीजा के पिरामिड से करने पर यह स्पष्ट है कि साइज बहुत डिफरेंट है। दोस्तों, इंटरनेट स्पेकुलेशन और थ्योरी से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ एशियन सिविलाइजेशन के रिमेंट्स या यहाँ तक के इल्यूमिनाते से जुड़े होने की पॉसिबिलिटी का सुझाव दे रहे हैं। अन्य लोग यह प्रस्ताव करने तक चले गए हैं कि अंटार्कटिका प्रागैतिहासिक काल के दौरान रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ रहा होगा, जिससे ऐसे निर्माण संभव हो सके। हालांकि इन स्पेकुलेशन के पीछे की सच्चाई स्पेकुलेशन से काफी अलग है। जियोलॉजी के प्रोफेसर एरिक रिग्नोट ने अफवाहों को खारिज करते हुए बताया कि पिरामिड के शिखर आकार ग्लेशियरों के अभिसरण का परिणाम है। इसी तरह की न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दुनिया भर के विभिन्न लोकेशन में पाई जा सकती है, जो पेंगुइन के सुपर इंटेलिजेंट प्राणियों में विकसित होने या इंसानों पर आक्रमण करने के लिए महल बनाने वाले स्नोमैन जैसी किसी भी असाधारण धारणा को दूर करती है। इस रिमोट पैलेस पर अलौकिक जीवन के छिपे होने का कोई एविडेंस नहीं है। दोस्तों, अंटार्कटिका में पिरामिड जैसे पर्वत की खोज एक दिलचस्प नेचुरल फिनोमियम है। यह हमारी दुनिया में पाए जाने वाले कई बॉन्डर्स और उन संयोगों की याद दिलाता है, जिनका हम डेली सामना करते हैं। आइए हम दूरगामी स्पेकुलेशन से पड़े बिना ऐसी यूनिक माउंटेन स्ट्रक्चर की सराहना करें और उनका अध्ययन करें। Mainstream geologists have long believed that ancient humans never settled on Antarctica because of its hostile climate. But incredibly, in 2016, satellite images revealed a curious formation emerging from the ice that some researchers believe could be a man-made pyramid. दोस्तों, किसी पहाड़ों को इस तरह देखना लोगों में बॉन्डर या क्यूरियोसिटी की भावना पैदा कर सकता है। वे अक्सर स्वयं को यह क्वेश्चनिंग करते हुए पाते हैं कि इतने रिमोट लोकेशन पर इतना विशाल पर्वत कैसे मौजूद हो सकता है। कुछ लोग यह भी अनुमान लगाते हैं कि क्या यह मैनमेड कंस्ट्रक्शन है, जिससे मिस्ट्री और बढ़ गया है। इस फिनोमेनन ने सोशल मीडिया पर ध्यान आकर्षित किया है। कई यूजर्स ने इमेजेस शेयर की है और इन स्ट्रक्चर के अलौकिक मूल की होने की संभावना पर कमेंट की है। दूसरी ओर कुछ लोगों ने आर्गू की है कि फॉर्मेशन वास्तव में ह्यूमन क्रिएशन है, पॉसिबली हजारों वर्षों से छिपी हुई है। Huge great pyramids in Antarctica. They jut out of the ice and snow and they look perfect, just like those in Egypt. But they dwarf those in Egypt, like the great pyramid. दोस्तों, एल्सवर्थ पर्वत अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जो मैरी बर्ड लैंड में रोइन आइस सेल्फ के वेस्टर्न साइड पर 350 किलोमीटर लॉन्ग और 48 किलोमीटर ब्रॉड माउंटेन्स की चेन बनाती है। इनकी खोज साल 1935 में लिंकन एल्सवर्थ द्वारा की गई थी और ये चिली के अंटार्कटिक टेरिटोरियल क्लेम के अंतर्गत आते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार एल्सवर्थ पर्वत पर एवरेज टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए केवल एक ब्रीफ सीजन के लिए एक्सेसिबल बनाता है। दोस्तों, खैर, रियलिटी शायद आपको इम्प्रेस न करे। ये पिरामिड जैसे माउंटेन्स एक्चुअली में एल्सवर्थ रेंज में एग्जिस्ट है और इन्हें अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड किया गया है। इन्हें हॉर्न के रूप में भी जाना जाता है, जो ग्लेशियल एरियाज पर हावी होते हैं, क्योंकि वे एग्जिस्टिंग लैंडमार्क के किनारों के खंगालने वाले ग्लेशियल के इरोजन से बनते हैं। अधिकतर वे एक ही सेंट्रल पॉइंट से अलग होने वाले ग्लेशियर्स के तेज गोलाकार क्षरण के कारण बनते हैं। लोकप्रिय मैटर हॉर्न पीक संभवतः ऐसी नेचुरल फॉर्मेशन का दुनिया सबसे विजुअल एग्जाम्पल है। दोस्तों, इसका जिक्र करते हुए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जूलॉजी के प्रोफेसर एरिक रिगोट ने कहा, यह सिर्फ एक पहाड़ है जो पिरामिड जैसा दिखता है। पिरामिड शेप संभवतः नहीं है, कई चोटियां पार्शियली पिरामिड जैसा दिखती है। दोस्तों, पिरामिड माउंटेन, जिसका कोई फॉर्मल नाम नहीं है, अंटार्कटिका के एल्सवर्थ माउंटेन को बनाने वाली कई चोटियों में से एक है, जिसे साल 2007 में एक रिसर्च के अनुसार 23 नवंबर साल 1935 को एक उड़ान के दौरान अमेरिकन एविएटर लिंकन एल्सवर्थ ने खोजा था। पेपर जो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे USGS द्वारा पब्लिश किया गया था। दोस्तों, मोर स्पेसिफिकली नाम माउंटेन 79 डिग्री साउथ 81 डिग्री वेस्ट आसपास पर स्थित हेरिटेज रेंज नामक एरिया में एल्सवर्थ माउंटेन्स के साउदर्न पार्ट में
जो अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉसिल्स के लिए जाना जाता है, जिनमें ये भी शामिल है। साल 1972 USGS की रिपोर्ट के अनुसार 500 मिलियन वर्ष से अधिक पहले के कैम्ब्रियन पीरियड के ट्रिलोबाइट्स, दोस्तों गूगल अर्थ के अकॉर्डिंग, प्लेनेटरी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, यह पर्वत इतना ऊंचा नहीं है, केवल 4150 फीट या नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंचे माउंटेन डिनोली की हाइट के पांचवें हिस्से से थोड़ा कम है। मैसाचुसेट्स के डूडले से निकोलस कॉलेज के एनवायरमेंटल साइंस के प्रोफेसर मौरी प्लेटो ने कहा, पहाड़ की ऊंचाई भले ही डिनोली जितना ना हो, लेकिन इसकी यूनिक पिरामिडियल शेप इसे अलग करती है। दोस्तों प्लेटो ने कहा कि बर्फ पिघलने के इरोजन के कारण इसकी पिरामिड जैसी आकृति बनने की संभावना है। ऐसा तब होता है जब दिन के दौरान किसी पहाड़ की दरारों में बर्फ या पानी भर जाता है, जब रात होती है और टेम्परेचर गिरता है तो बर्फ जम जाता है और फैलकर बर्फ में बदल जाती है। प्लेटो ने कहा, बढ़ती बर्फ के कारण दरारें बढ़ती है। दोस्तों उन्होंने कहा, यह फ्रीज पिघलना इरोजन अनगिनत बार होता है, जिससे बड़ी दरारें बन जाती है जो अंततः पूरे चट्टान खंडों के टूटने के कारण बन सकती है। उन्होंने कहा, इन ताकतों के संभवतः आल्पस में मैटर हॉर्न सहित अन्य पिरामिनोडो पहाड़ों को भी आकार दिया है। दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है कि माउंटेन्स की चार में से तीन साइट्स अलग सेम रेट से नष्ट हो गई है। प्लेटो ने कहा, इससे पता चलता है क्योंकि यह इतनी समान रूप से निकला है कि चट्टान का टाइप काफी समान है, आपके पास ऐसी कोई रॉक लेयर्स नहीं है जिसे नष्ट करना कठिन हो। दोस्तों दूसरे शब्दों में नेमलेस माउंटेन संभवतः सभी एक रॉक लेयर में है। प्लेटो ने कहा, यह बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, इसीलिए इसमें कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं है। दोस्तों हालांकि पहाड़ की पूर्वी चोटी डिसाइडली परिवार के ब्लैक शिप है, प्लेटो ने कहा, अन्य चोटियों की तरह नीचे की ओर उतरने के बजाय वह फोर्थ साइड ईस्ट की ओर बढ़ता है और भी ऊंचे टेरेन की ओर बढ़ता है। दोस्तों प्लेटो ने कहा कि हालांकि कुछ न्यूज ऑल्टरनेट कर रहे हैं कि पहाड़ अभी नया खोजा गया है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। माउंटेन के साउथ में पैट्रियट हिल्स के नाम से जाने जाने वाले एरिया में क्लाइमेट साइंटिस्ट के लिए एक रिसर्च बेस है। प्लेटो ने कहा, आप एक्चुअली में इस माउंटेन को पैट्रियट हिल्स के ऊपर देख सकते हैं। जहाँ तक की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सवाल है, जो माउंटेन्स के पिरामिडियल शेप के बारे में सोच रहे हैं, कम से कम कुछ के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, अंत में शायद वे इस प्रक्रिया में कुछ सीखेंगे। दोस्तों इसी बीच सौदर्न हेमिस्फीयर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग समर के बीच समुद्री बर्फ एक्सपेक्टेड लेवल के आसपास भी नहीं लौटी, चूंकि रिकॉर्ड कीपिंग 45 साल पहले शुरू हुई थी, इसलिए यह साल के इस समय में सबसे निचले लेवल पर रही। दोस्तों नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर NSIDC ने कहा कि बर्फ 2022 में प्रीवियस विंटर के सबसे कम रिकॉर्ड से लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर नीचे थी। जुलाई में अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ साल 1981 से 2010 के एवरेज से 206 मिलियन वर्ग किलोमीटर कम थी। यह अर्जेंटीना या टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, एरिजोना, नेवेदा, यूटो और कोलोराडो के कॉम्बाइंड एरिया के इक्वल है। दोस्तों कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी के ग्लेशियोलॉजिस्ट टेड एस्केम्बोस ने कहा, खेल बदल गया है, जिस तरह से सिस्टम हुआ करता था उसी तरह से होने की संभावनाओं के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, यह क्लियरली हम बता रहे हैं कि सिस्टम बदल गया है। दोस्तों बर्फ की भूमि अंटार्कटिका अर्थ के सबसे दक्षिणी और सबसे कम आबादी वाला कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिक आइस की सीट ऑलमोस्ट 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर की एरिया को कवर करती है और इसमें 30 मिलियन किलोमीटर क्यूब बर्फ होती है। इतनी बर्फ और ठंडक से अंटार्कटिका की भूमि पर कोई भी प्रजाति जीवित नहीं रह सकती। साइंस ने अंटार्कटिका को रहस्यों की भूमि पाया है और यह बात सही भी लगती है, क्योंकि अंटार्कटिका हमारे लिए एक और नया रहस्य है। इस बार क्या है, इस खोज ने साइंटिस्ट को क्यों हैरान कर दिया है? दोस्तों इन देशों ने पिरामिड अपने जटिल डिजाइनों और चकरा देने वाली कंस्ट्रक्शन मेथड के साथ पास्ट सिविलाइजेशन का प्रमाण देते हैं। इस प्रकार अंटार्कटिका में ऐसी स्ट्रक्चर की खोज थ्रिलिंग और डिसकॉन्सर्टिंग दोनों है, हालांकि फैक्ट को कल्पना से अलग करना आवश्यक है। दोस्तों हाल ही में गूगल अर्थ की दिलचस्प संरचना का हवाई दृश्य दिखाने वाली छवियों का स्पेकुलेशन को तेज कर दिया है। अनट्रेंड आई के लिए एक फिनोमियम एक शार्प माउंटेन की तरह दिखती है, जिसका सिर्फ जमे टुंड्रों से बाहर निकला हुआ है। फिर भी क्या यह एशियन सिविलाइजेशन की क्रिएशन हो सकती है, जो समय से बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है, या एक्सटेंशियल क्राफ्टमैनशिप हो सकती है? दोस्तों ह्यूमन माइंड स्वाभाविक रूप से क्रिएस है, वह लगातार अननोन के लिए पैटर्न और एक्सप्लेनेशन की तलाश में रहता है, जबकि अंटार्कटिक पिरामिड ने उत्साह और अटकलों को बढ़ावा दिया है। यह हमारे प्लैनेट्स के नेचुरल बाउंडर्स और उन्हें आकार देने वाले जटिल प्रोसेस के प्रमाण के रूप में कार्य करता रहता है।